Hey guys, welcome back to the channel. तो कैसे हो आप सब लोग? Hope you all are doing good. So आज मैं बहुत easy सी recipe लेके आई हूँ. बहुत फटाफट सी recipe है ये. ये उन लोगों के लिए जिनके पास time नहीं है, office जाना है, college जाना है, कुछ yummy भी खाने का मन कर रहा है. तो ये उन लोगों के लिए है. तो चलिए शुरू करते हैं. बट उससे पहले अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा. सो नाउ लेट्स बिगिन. तो जो मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का वो है पनीर चिली मसाले के पाउचेस. आप ले सकते 10 रुपीज के ईच पाउच मिल जाएंगे और जो ये पैकेट है ये 200 ग्राम पनीर बनाने के लिए सफिशियंट है. तो यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम्स ऑफ पनीर, देन 3 to 4 मीडियम साइज्ड अनियन जो कि आपको बहुत बारीक नहीं काटना है, देन मैंने ली है शिमला मिर्च भी मैंने ली है 4 to 5 एंड इसे भी ज़्यादा बारीक नहीं काटना है. ग्रीन चिलीज आप ले सकते हो और साथ में मैंने ली है काली मिर्च. तो यहाँ मैंने ले ली है एक कढ़ाई जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है. मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड अनियन. तो हमें इसे फ्राई करना है तब तक जब तक ये ट्रांसलूसेंट कलर के ना हो जाएं, तब तक हमें इसे चलाते रहना है. अब मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च एंड ग्रीन चिलीज. ये ऑप्शनल है बिल्कुल, बट यस अगर आप काली मिर्च डालोगे तो टेस्ट एनहेंस हो जाएगा. मेरे प्याज ऑलमोस्ट हो गए हैं. नाउ आई एम एडिंग कैप्सिकम्स. तक ये पक रही है तो हम लोग अपना मसाला बना लेते हैं. तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ. थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया ताकि जो सब्जियाँ हैं जल्दी से गल जाएं. और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेक 2 कप्स ऑफ वाटर, मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया है. उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ चिंग्स मसाला जो कि आपको अच्छे से पहले डिजॉल्व कर लेना है. तो क्योंकि मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है तो मुझे अब इसमें 2 सैशेज डालने हैं और 2 बार ये मुझे ये चिंग्स मसाले का पानी बनाना हो. नाउ आई हैव एडेड पनीर क्यूब्स और हम इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे. और अब मैंने वो वाटर ऐड कर दिया है और ब्रिंग इट टू द बॉयल. और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो थिकनेस है ग्रेवी की चेक कर सकते हो. मैंने थोड़ी सी रेड चिलीज डाली है क्योंकि चिली मसाला थोड़ा सा, पनीर चिली मसाला थोड़ा सा हमें स्पाइसी अच्छा ही लगता है. सो माय पनीर चिली मसाला इज रेडी और आप इसे सर्व कर सकते हो पराठे के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हो. तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो. अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में. और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गॉज हेल्थ एंड ब्यूटी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.